और अब आपको सीधा फरीदाबाद ले चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं फरीदाबाद में, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरजकुंड मेले में पहुंची हैं और ये तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति थोड़ी ही देर में जो है इस मेले का उद्घाटन करेंगी, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें सीधे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की हैं, जहां सूरजकुंड मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया जाएगा। थोड़ी ही देर में इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। मेले में लगभग 50 देश हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फरीदाबाद पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद हैं। तस्वीरें सीधा फरीदाबाद से हैं। एंड अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, आप सभी का वंदन, आप सभी का स्वागत है। मैं राष्ट्रपति महोदया से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इस शुभ कार्य में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें दीप प्रज्वलन के इस शुभ अवसर पर। देवियों सज्जनों, कला और संस्कृति जो भारत की भूमि पर फली फूली हजारों वर्षों से, और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आपको तस्वीरें सीधा फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है, उनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। राज्यपाल से मनोहर लाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद से और दीप प्रज्वलन के साथ जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रपति महोदया की गरिमामय उपस्थिति से, उनके स्नेह से अब मैं निवेदन करूंगा माननीय पर्यटन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाले इस कार्यक्रम की, इसके बाद राष्ट्रपति के कौन कौन से और कार्यक्रम है? आपको बता दें कि जिस तरीके राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंची है और ऐतिहासिक पल जो है वो हरियाणा वासी सूरजकुंड मेला जो है वो अपने आप में खास है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अभी उन्होंने करके जो है वो विधिवत तरीके से उनका जो है वो भाषण जनरल आपके पास आएंगे, एक बार सुनवाते हैं कंवरपाल गुर्जर क्या कुछ कह रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी और उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण, सभी मान्य अधिकारीगण, भाइयों बहनों, आज माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के आयोजन का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपनी एक अलग जगह बना ली है और ये हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। हमारा प्रयास सूरजकुंड मेले जैसा आयोजन करना है जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं बल्कि भारत के शिल्पकारों को इस समय में सदियों पुराने शिल्प को जीवित रखने की भी अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाने में भी मदद करते हैं। वार्षिक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों को बचौलियों की भूमिका के बिना संभावित खरीदारों और पारंपरिक कला और शिल्प के संरक्षकों को सीधे अपने उत्पाद बेचने का अवसर देना है।
दोस्तों इस मेले का 37 वर्ष का समृद्ध इतिहास है और हर साल इसका कद और आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मेला श्री मनोहरलाल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है, जिन्होंने हमेशा पर्यटन और सूरज आयोजनों को के बढ़ाने और फलने फूलने और वैश्विक सतर तक पहुंचाने के अवसर सर्जित किए हैं। हर साल विदेशी देशों की अधिक से अधिक भागीदारी इस मेले के बढ़ते कद और महत्व का प्रमाण है, क्योंकि इस साल हम यूनाइटेड किंगडम, कांगो, डोमिनियन, मिस्र, एस्टोनिया जैसे दुनिया भर के लगभग 50 देशों की मेजबानी कर रहे हैं। आयरलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनिशिया, तुर्की आदि कुछ, इसी प्रकार संयुक्त तंजानिया गणराज्य साझेदार राष्ट्र है, जो अफ्रीकी संघ के साथ भारत की भागीदारी भी प्रदर्शित करेगा।